हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं बजाज की तरफ से लॉन्च होने वाली इनकी पल्सर NS250। जी हाँ गाइस, आप लोग ने एकदम सही सुना। बजाज की पल्सर NS250, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 28th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पर बजाज की बाइक्स का लॉन्च इवेंट रखा गया है, जिसमें सभी टाइप की मतलब 250 सीसी वाली बाइक जो है बजाज की अपकमिंग, वो यहाँ पर आपको लॉन्च होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इस बाइक की कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर गाइस आप लोग यहाँ पर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। आज के इस वीडियो में वी गोना डिस्कस अबाउट द प्राइस स्पेसिफिकेशन, न्यू चेंजेस एंड फीचर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले यहाँ पर बाइक की कुछ ओवरव्यू में बाइक के प्राइस स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स की तरफ देखें तो इस बाइक में हमें 249 cc का लिक्विड कूल इंजन देखने मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया पावर प्रोड्यूस करने वाला है इन फ्यूचर, मतलब 28th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पर आप लोग को पता ही चल जाएगा। साथ ही यहाँ पर इस बाइक की फ्यूल टैंक की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें इस बाइक में 12 लीटर तक का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाने वाला है। एंड अब यहाँ पर इस बाइक के प्राइसिंग की तरफ देखें तो ये बाइक हमें प्राइसिंग के साथ आपको देखने मिलेगी 1,50,000 या 1,55,000 तक ऑन रोड यहाँ पर ये बाइक आप लोगों को, सॉरी ऑन रोड नहीं, एक्स शोरूम तक यहाँ पर आपको ये बाइक देखने मिल सकती है। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर बाइक की अगर कुछ ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फ्रंट में जैसे कि इसका जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। मतलब बजाज का जो DNA था बहुत टाइम से, मतलब 2012 से जो इसका NS का DNA था, वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट में आपको 12 LED यहाँ पर आपको DRS देखने मिलेंगे, प्लस जो इसका एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो काफ़ी मतलब मिलता जुलता है, अगर आप देखोगे तो MT की जो बाइक है उसे मिलता जुलता लुक यहाँ पर फ्रंट से आपको देखने मिल सकता है। चलिए गाइस, अब यहाँ पर इस बाइक की कुछ पावर एंड परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो इसमें आपको जो पावर देखने मिलने वाला है, मेरे हिसाब से मतलब जो बाइक 250 cc की है, यहाँ पर आपको 26.63 BHP तक का पावर देखने मिलने वाला है एट 8,500 RPM। एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 23.5 Nm का टॉर्क देखने मिलने वाला है एट 6,500 RPM। इसका जो इंजन है वो आपको BS6 कंप्लाइंट के साथ देखने, 48 cc का यहाँ पर आपको इसका इंजन देखने मिलेगा, जो कि एक सिंगल सिलेंडर होने वाला है। यहाँ पर ये बाइक जो है आपको लिक्विड कूल ऑप्शन में देखने मिलेगी विद 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ, यहाँ पर ये बाइक आपको ऑफर की जाएगी। अब गाइस यहाँ पर इस बाइक के ब्रेक्स, व्हील्स एंड सस्पेंशन की तरफ देखें तो ब्रेक जो सिस्टम होने वाला है, यहाँ पर आपको इसका डुअल चैनल ABS देखने मिलेगा, जो कि यहाँ पर सुपर मोटो ABS यहाँ पर आपको इसमें देखने मिल सकता है। एक चांसेस है कि बजाज यहाँ पर अपनी NS250 में बड़ा धमाका कर दे, आप लोग को सुपर मोटो ABS यहाँ पर 250 cc में देखने मिल जाए। साथ ही अब यहाँ पर इसके डिस्क साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्प्ले देखने मिलेगी एंड रेयर में आपको 230 mm की डिस्प्ले देखने मिल जाएगी। साथ ही अब यहाँ पर इस टाइप के व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने मिलने वाले, वो भी 17 inches के। अगर यहाँ पर इसके टायर साइज की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 100x80 17 inches के ट्यूबलेस टायर देखने मिलेंगे एंड रेयर में आपको 130x17 17 inches के ट्यूबलेस प्लस रेडियल टायर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाने वाले हैं। यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन की तरफ गए तो फ्रंट में आपको 37 mm के यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने मिल जाएंगे एंड रेयर में आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर विथ नाइट्रोक्स यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पर इस बाइक के डायमेंशन एंड चेसी की तरफ देखें तो इसका जो वेट होने वाला है गाड़ी का, वो 180 kg तक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ओवरऑल लेंथ जो होने वाली है इस बाइक की 2156 mm की आपको लेंथ देखने मिलेगी। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको 836 mm का विड्थ देखने मिल जाएगा। हाइट जो होने वाली है यहाँ पर इस बाइक की 1112 mm की यहाँ पर आपको इसकी हाइट देखने मिलेगी। व्हील बेस जो होगा यहाँ पर इसका 1453 mm का यहाँ पर आपको इसका व्हील बेस देखने मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 157 mm का यहाँ पर आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलेगा, जो कि बजाज की गाड़ियों का हमेशा से कंप्लेन रहा है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है बजाज की बाइक्स का, वो काफ़ी कम होता है। मतलब गाड़ी ही जो है वो इंडियन रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स पे आराम से यहाँ पर घसती है, तो स्पीड ब्रेकर के यहाँ तक जहाँ तक मुझे लगता है ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको कम मिलने वाला है। साथ ही सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है। एंड चेसी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बीम टाइप पैरामीटर की यहाँ पर आपको चेसी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको बीम टाइप पैरामीटर फ्रेम की यहाँ पर आपको चेसी ऑफर की जाने वाली है। तो गाइस अब यहाँ पर इस बाइक के कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया DRS देखने मिल जाएंगे, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ प्लस नेविगेशन का ऑप्शन भी देखने मिल सकता है, क्योंकि बजाज एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर अपना गाड़ी का जो लॉन्च है वो 28 को रखने वाला है, तो बजाज यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आपको नेविगेशन प्लस ब्लूटूथ का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, प्लस USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर आपको ऑफर की जाएगी। साथ ही यहाँ पर इस बाइक के स्पीडोमीटर की तरफ देखें तो इसमें आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन देखने मिलने वाली है, ट्रिप मीटर से लेकर ओडोमीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म, स्टेप सीट, यहाँ पर सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इस बाइक में देखने मिल जाएगी। लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, इन सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके स्पीडोमीटर में आपको देखने मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर अभी इसमें जो आपको जो स्पीडोमीटर देखने मिलेगा वो एक नेगेटिव LCD टाइप का डिस्प्ले होने वाला है, जो काफ़ी अच्छा खासा विजिबिलिटी यहाँ पर आपको धूप में देखने मिल सकता है।
गाइस यहाँ पर इस बाइक के कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ तक जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको इसमें चार कलर ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, प्लस ब्लैक कलर, प्लस ऑरेंज, सॉरी एक रेड कलर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, दूसरा ब्लैक, तीसरा येलो एंड चौथा यहाँ पर हो सकता है व्हाइट कलर में आपको ये गाड़ी लॉन्च होती हुई दिख सके। माइलेज भी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, 250 cc सेगमेंट जैसी बाइकों में यहाँ पर आपको इसका माइलेज जो क्लेम होके दिखेगा शायद से 32 km/L तक का माइलेज यहाँ पर आपको इस बाइक में देखने मिल सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइड यहाँ पर, अब यहाँ पर इस बाइक के प्राइस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्राइस में यहाँ पर आपको ये बाइक जहाँ तक एक न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर ये बाइक आपको 1,65,000 से लेकर 1,70,000 तक एक्स शोरूम तक यहाँ पर ये बाइक आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि गाइज ऑब्वियस ही बात है 250 cc बाइक है, यहाँ पर अच्छे खासे फीचर्स यहाँ पर आपको सुपर मोटो ABS प्लस यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पर स्लिपर क्लच का भी ऑप्शन देखने मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे पता है ये बाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छे खासे प्राइस सेगमेंट के साथ यहाँ पर आपको लॉन्च होती हुई दिखेगी। तो गाइस होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।